दोस्तों इस वीडियो में हमने माउस की मदद से डोर ओपन अलार्म बनाया है, जिससे कि ये होगा जब भी कोई दरवाजे खोलेगा या फिर बंद करेगा तो एक अलार्म बजेगा, जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि कोई कमरे में आया है या फिर कोई कमरे से बाहर गया है। और इस वीडियो में मैंने जितने भी सामान को यूज़ किया है उसको बहुत ही बारीकी से एक्सप्लेन किया है, और वीडियो लंबी ज़रूर है, इसका कारण ये है कि आप कोई भी स्टेप मिस ना करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें जरूरत
यहाँ पर हमें विंडो 7, विंडो 8.1 और विंडो 10 के लिए भी ऑप्शन है, और यहाँ पर लाइनस के लिए भी दिखा रहा है। तो मेरा यहाँ विंडो 7 है, तो विंडो 7 के लिए मैं क्लिक कर दे रहा हूँ और जस्ट डाउनलोड पर क्लिक कर दीजिए। मेरे पास तो देखिए हमारे ये बजर और एलईडी ऑन हो गई है। आप इसको कुछ ऐसे समझिए कि जब इसे कोई भी थोड़ा सा स्लाइड करेगा तो ये अलार्म के तौर पे बजने लगेगा। जब हम लोग आर्डिनो की रेड वाले बटन को प्रेस करेंगे तो ये रिसेट हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी एलईडी लाइट है और बजर, ये दोनों ऑफ हो जाएंगे। फिर जब हम लोग माउस को स्लाइड करेंगे तो फिर से ये दोनों ऑन हो जाएंगे, तो हमें इंडिकेट हो जाएगा कि कोई अंदर आ गया है या फिर दरवाज़ा ओपन हो गया है। जी हमारा माउस है, इसमें काफ़ी सेंसिटिव सेंसर लगा हुआ है जिससे कि ये बहुत ही थोड़ा सा स्लाइड होने पर भी हमें इंडिकेट कर देता है कि हाँ ये स्लाइड हुआ है, मतलब कि बजर और एलईडी लाइट दोनों को ऑन कर देता है ये। तो मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ कि अगर आपको एलईडी और बजर जब ये दोनों ऑन होंगे इसको ऑफ करना होगा, तो आर्डिनो की जो रेड वाली बटन है इसको प्रेस कर दीजिए।
तो मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।